हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीजे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं विश्वेश जमुआर आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। क्लास नाइन्थ का अगला लेक्चर एक्सेलरेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एक्सेलरेशन ऐसा टॉपिक है जो एंड तक यूज होगा इस पूरे नाइन्थ के सिलेबस में। हम लोग इसके बाद का चैप्टर जो है वो फोर्स पढ़ेंगे। फोर्स का फॉर्मूला ही होता है मास गुना एक्सेलरेशन। हम लोग अगले चैप्टर में ये पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद वर्क पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। इन सारे चैप्टर्स में एक्सेलरेशन यूज होगा ही होगा, तो इसलिए एक्सेलरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसी के बारे में चर्चा हो रहा है एक्सेलरेशन। तो यहां पर इस वीडियो में एक्सेलरेशन के बारे में चर्चा करेंगे और उसके टाइप्स, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं, और जीरो एक्सेलरेशन के बारे में भी चर्चा होगा। वीडियो को एंड तक देखेंगे, पूरा एक्सेलरेशन का कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा और एक एक न्यूमेरिकल उसके बाद बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन जो बॉडी का होता है, किसी भी बॉडी का, हम किसी भी बॉडी का क्या चेक करते हैं, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी एक्सेलरेशन को मतलब क्या से, एक्सेलरेशन एक्चुअली है क्या? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी और बाई क्या? टाइम। तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी एक्सेलरेशन को मतलब क्या से, यहां पर इंपॉर्टेंट वेलोसिटी नहीं है, यहां पर इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी में क्या चेंज। इंपॉर्टेंट क्या है, वेलोसिटी है या वेलोसिटी में चेंज है? यहां पर इंपॉर्टेंट जो है वो चेंज है, यानी वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, तभी बात होगा क्या का एक्सेलरेशन का। प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, बाइक वगैरह जो चलता है या फिर कार वगैरह जो चला रहा है जो भी ड्राइवर, तो एक टर्म यूज करता है एक्सेलरेटर। आप में से भी कोई बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं, ठीक है, या कार अगर चलाते हैं, तो एक टर्म यूज होता है ना एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर लेने से क्या होता है, अगर बाइक में एक्सेलरेटर घुमाते हैं अगर, ठीक है, उसको एक्सेलरेटर कहते हैं। एक्सेलरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब उसको घुमाते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है। क्यों एक्सेलरेशन आता है? क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब भी एक्सेलरेटर घुमाते हैं या कार में एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं, ठीक है ना, नीचे क्लच रहता है, ठीक है, ब्रेक रहता है, एक्सेलरेटर रहता है, तो एक्सेलरेटर जैसे ही हम लोग एक्सेलरेटर को एक्टिव करते हैं, तुरंत गाड़ी का वेलोसिटी क्या करता है, चेंज। गाड़ी का वेलोसिटी नहीं देखते, चेंज हो जाता है। गाड़ी अगर जा रहा था 50 से, एक्सेलरेटर लिए कितना हो गया, 70 हो गया। तो जैसे ही वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी में चूंकि चेंज आता है, अगर वही चेंज नहीं होता, एक्सेलरेटर नहीं ले रहे हैं, तो 50 से ही जा रहा है गाड़ी, ठीक है, तो वेलोसिटी में बदलाव ही नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन का बात नहीं होगा। एक्सेलरेशन का बात कब होता है, जब वेलोसिटी बदलता है। तो जैसे ही एक्सेलरेटर लेते हैं, वेलोसिटी चेंज हो जाता है, इसलिए एक्सेलरेशन आ जाता है गाड़ी में, तो उस चीज का नाम रख देते हैं एक्सेलरेटर। तो वर्ड समझ में आया ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सेलरेटर वर्ड यूज होते रहता है। तो एक्सेलरेशन को मतलब है वेलोसिटी में क्या, चेंज। अच्छा, जितना ज्यादा एक्सेलरेटर हम लोग घुमाएंगे, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, चेंज उतना ज्यादा होगा। यानी अगर वेलोसिटी में चेंज ज्यादा हुआ, दो मेरे पास बाइक है, एक बाइक जो है वो 5 सेकंड में उसका वेलोसिटी जो है वो 0 से बढ़कर 50 हो गया, और दूसरा बाइक जो है उसका वेलोसिटी 0 से बढ़कर 20 हुआ, वही 5 सेकंड में, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? पहला वाला बाइक का, क्योंकि पहले वाले बाइक का वही 5 सेकंड में 0 से 50 हो गया, और दूसरे बाइक का वही 5 सेकंड में 0 से 20 ही हुआ। तो किसमें हार्ड एक्सेलरेशन, किसका ज्यादा एक्सेलरेशन है, जिसमें वेलोसिटी 0 से क्या हो गया 50 हो गया, वही 5 सेकंड में। यानी जितना ज्यादा चेंज होगा वेलोसिटी में, चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, चेंज इन वेलोसिटी कम तो एक्सेलरेशन कम। यानी एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ऊपर मेंशन करना पड़ेगा क्या, चेंज इन वेलोसिटी, है कि नहीं? वेलोसिटी से मतलब नहीं, वेलोसिटी में चेंज से मतलब, कितना चेंज हुआ। अच्छा, और टाइम से भी मतलब। एक और एग्जांपल, दो बाइक है, पहला बाइक जो है वो 0 से 50 स्पीड उसका हो गया 5 सेकंड में, दूसरे बाइक का 0 से 50 हुआ 20 सेकंड में, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा? पहला बाइक का 0 से 50 हो गया स्पीड 5 ही सेकंड में, और दूसरे बाइक का 0 से 50 होने में 20 सेकंड समय लग गया।
तो एक्सेलरेट तो दोनों किया, वेलोसिटी दोनों में चेंज हुआ, लेकिन दोनों का एक जैसा एक्सेलरेशन नहीं। जिसका 0 से 50 पांच ही सेकंड में हो गया, कम टाइम में अगर हो गया, उसका ज्यादा एक्सेलरेशन, उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा हार्ड है। उस बाइक का हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन फास्ट है, उसका ज्यादा है एक्सेलरेशन, यानी समय कम, कम टाइम लग रहा है। अगर वही चेंज होने में कम समय लग रहा है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। वैसे भी किसी चीज को अगर कम से भाग देते हैं, कम से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा है। इसीलिए टाइम गुना में नहीं रहता है, टाइम गुना में रहता तब तो टाइम कम लग रहा है तो एक्सेलरेशन कम हो जाता, जबकि टाइम कम लगता है अगर वही वेलोसिटी के चेंज होने में टाइम कम लग रहा है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो टाइम कम लग रहा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा, तो इसलिए टाइम क्या में, भाग में। और जिस बाइक को टाइम ज्यादा लग गया, वही 0 से 50, उसमें भी चेंज होता नहीं 50 का हुआ, लेकिन उसमें 20 सेकंड में हुआ, तो कोई चीज को, वही चीज को ज्यादा से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। एक्सेलरेशन उसका क्या आया, कम आया। इसलिए मेरे ख्याल से फॉर्मूला पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। एक्सेलरेशन को मतलब जो है वो वेलोसिटी यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर इंपॉर्टेंट है चेंज इन वेलोसिटी, और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम, कितने समय में वो चेंज हुआ। तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन क्लियर, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अच्छा, नहीं तो एक और तरीका है लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर आगे रेट लगा हुआ है, कभी भी फिजिक्स के डेफिनेशन में रेट अगर लग गया, इसका मतलब हो गया चेंज वेलोसिटी के चेंज होने का दर। रेट लगने का मतलब ही है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो भाग होने वाला है क्या से, टाइम से। अगर टाइम से भाग होता है, टाइम से कोई चीज भाग होता है, अगर कोई चीज टाइम से भाग होता है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं आगे में क्या, रेट। तो अगर आगे में रेट लिख दिए तो लास्ट में पर यूनिट टाइम लिखेंगे, इसमें लास्ट में पर यूनिट टाइम लिखा हुआ है, पर यूनिट टाइम लिखा हुआ है नहीं, पर यूनिट टाइम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आगे लिखा गया रेट, तो रेट का मतलब भी वही होता है। रेट अगर लिखा गया, इसका मतलब है कि आप उस चीज को क्या से भाग देने वाले हैं, टाइम से। तो रेट का मतलब ये क्लियर हो गया कि भाग देने वाले हैं क्या से, टाइम से। तो अगर रेट लिख देते हैं आगे में तो पर यूनिट टाइम नहीं लिखना है, पर यूनिट टाइम नहीं लिखना है, क्योंकि रेट का मतलब ही हो गया कि वो भाग होगा क्या से, टाइम से। और रेट अगर नहीं लिखते, जैसे यहां पर रेट नहीं लिखे थे तो वहां पर लिखना पड़ा था चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। समझ में आया, क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो दोनों डेफिनेशन कोई भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या फिर कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ, जब रेट लिख दिए तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां पर यूनिट टाइम नहीं लिखाएगा क्योंकि आगे क्या लिख दिए, रेट लिख दिए। डेफिनेशन क्लियर हो गया, अब इसका फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, एक्सेलरेशन तो वेक्टर होगा ही, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, तो वेलोसिटी का चेंज अगर देखेंगे तो उसमें भी डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन भी है और वैल्यू भी है, तो ऐसे में वो कैसा क्वांटिटी, स्केलर होगा या वेक्टर होगा, वेक्टर। जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है वो कैसा क्वांटिटी, वेक्टर। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज डिनोटेड बाय, एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं क्या से, ए लिखते हैं और उसके ऊपर एरो, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में बताया ना कि लेटर के ऊपर क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं, तो उस लेटर के ऊपर एरो लगा हुआ रहता है। ये हो गया एक्सेलरेशन। अब हम एक्सेलरेशन का क्या देख रहे हैं, फॉर्मूला, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, उसका हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं। लेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम टी बराबर जीरो, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और मेरे पास एक स्टॉप वॉच है, ठीक है। उसको हम जैसे ही ऑन किए टी बराबर जीरो, उस टाइम को हम क्या बोल देंगे, कहां से ऑन होता है स्टॉप वॉच को अगर ऑन करते हैं, क्या वो 15 सेकंड से ऑन होता है, नहीं, क्या से ऑन होता है, जीरो से। मतलब हम जैसे ही किसी बॉडी को देखे, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को हम देखे, उस समय हम शुरुआत में जब देखे ही है तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टी बराबर जीरो, ठीक है। तो लेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम, लेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी देख रहे हैं एट टाइम टी बराबर जीरो, यानी एकदम शुरू में जैसे ही हम देखे उसका वेलोसिटी क्या था, यू था। जब हम देखे तो हो सकता है वो पहले से मूव कर रहा है बॉडी, कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, और हम जैसे ही उसको देखे उसका वेलोसिटी 15 है, तो हम देखे उसको जैसे ही देखे ऑब्जेक्ट को उसका वेलोसिटी 15 दिखा, तो वेलोसिटी तो 15 हो गया, लेकिन उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, टी बराबर जीरो।
तो जैसे ही टी बराबर जीरो लिखा हुआ है टाइम, हम समझ गए कि वो शुरुआत का वेलोसिटी है या अंतिम का है। ऑब्वियस है शुरुआत का है, टी बराबर जीरो मतलब अभी हम देखना ही शुरू किए, स्टॉप वॉच है उस समय जैसे ही हम प्रेस किए, हमको वेलोसिटी पहले से दिखा उस ऑब्जेक्ट का कितना यू, क्या दिखा यू, उसको हम क्या से डिनोट किए, यू से। अब ये याद रखना है ये यू क्या बता रहा है, यू क्या बता रहा है, यू क्या बता रहा है, ये यू क्या बता रहा है, वेलोसिटी। और कौन सा वेलोसिटी है ये यू, कौन सा वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है या इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल, क्योंकि टी बराबर जीरो पे जो वेलोसिटी होगा वो फाइनल नहीं होगा, वो क्या होगा, इनिशियल। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। अच्छा, एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम बराबर टी, यानी टी समय के बाद। अब जैसे ये 15 सेकंड हो सकता है, 25 सेकंड हो सकता है, जो भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो रहा है, यानी लास्ट में टी समय के बाद हम देख रहे हैं, तो उसका वेलोसिटी भी है, क्या वही वेलोसिटी रहेगा, बात एक्सेलरेशन का हो रहा है, और एक्सेलरेशन तब आता है जब वेलोसिटी चेंज होता है। तो शुरुआत में यू था तो अंतिम में भी यू थोड़े रहेगा, एक्सेलरेशन का बात करने जा रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज हुआ होगा। अब जैसे कोई दौड़ रहा है, शुरुआत में दौड़ रहा था, हम जैसे ही किसी आदमी को दौड़ते हुए देखे उसका वेलोसिटी हमको 5 दिखा, और 10 सेकंड के बाद देखे उसका वेलोसिटी 25 दिखा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगा तभी ना एक्सेलरेशन आएगा। तो लास्ट वाला वेलोसिटी क्या वही रहेगा, शुरू में 5 था, अंतिम में 25 है, तो शुरुआत वाले को डिनोट किए क्या से, यू से, और अंतिम में जो वेलोसिटी दिखा उसको हम क्या लिख दिए, भी। इसको हम लोग कहते हैं कौन सा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब इस पूरे चैप्टर में इसको याद रखेंगे, जहां भी यू लिखा हुआ रहेगा समझ जाएंगे, यू अगर लिखा हुआ है दैट मींस यू हमेशा कौन सा वेलोसिटी बताता है, यू वेलोसिटी बताता है फिजिक्स में, और यू अगर लिखा हुआ है तो अब हर बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुरंत समझ जाएंगे वो कौन सा वेलोसिटी, इनिशियल, यानी इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं क्या से, यू से। और भी कैसा वेलोसिटी, भी जो हो गया वो कैसा वेलोसिटी, फाइनल। भी अगर लिखा हुआ है यानी ये वेलोसिटी है, और कौन सा वेलोसिटी है, इनिशियल नहीं है, क्या है, फाइनल है कि नहीं। टाइम टेकन फॉर दिस चेंज इन वेलोसिटी, अच्छा ये वेलोसिटी में चेंज होने में कितना समय लगा, तो कितना समय लगा, शुरुआत में जैसे टी बराबर जीरो है और लास्ट में अगर ये रहता 15, तो हम कह देते कि 15 माइनस जीरो यानी 15 सेकंड लगा, तो यहां पर वही हम कहेंगे कितना समय लगा, टी माइनस जीरो, क्योंकि लास्ट में टाइम टी है, शुरू में क्या था, जीरो, तो टी माइनस जीरो बराबर क्या हो जाएगा, टी, यानी इसको चेंज होने में, ये वेलोसिटी चेंज होने में कितना समय लगा, टी, टी समय लगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन क्या होता है ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, शुरू में ही देखे एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, तो एक्सेलरेशन हम देख रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अच्छा, अब एक चीज ये और बढ़िया चीज है, यहां पर ये दिख रहा है ना ऊपर, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, चेंज का मतलब क्या हुआ, हम चेंज कैसे निकालते हैं, अगर चेंज इन वेलोसिटी देखना है तो कितना चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। अब जैसे यू कौन सा वेलोसिटी, इनिशियल, शुरुआत में ऑब्जेक्ट जा रहा था 10 से, अंतिम में ऑब्जेक्ट जा रहा था, शुरुआत में ऑब्जेक्ट जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, अंतिम में ऑब्जेक्ट जो जा रहा है वो 25 मीटर पर सेकंड, तो कितना चेंज हुआ, क्या चेंज 25 हुआ, नहीं, 10 पहले से है ना, इनिशियल कितना है 10 और फाइनल कितना है 25, तो बताइए चेंज कितना हुआ, 25 हुआ, गलत, 25 कहां से, चेंज कितना हुआ, 10 तो पहले से और लास्ट में क्या हो गया 25, तो चेंज कितने का हुआ, 15 का हुआ, 15 ना बढ़ा तो 15 कैसे आएगा, क्या 10 माइनस 25 करेंगे, नहीं, चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज जो होता है वो पहले फाइनल वेलोसिटी रखते हैं और माइनस में कौन सा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वाले सिचुएशन को, अंतिम वाले सिचुएशन को शुरू वाले सिचुएशन से घटाते हैं तो ना चेंज आता है। जैसे मान के चलिए आपको हम 5000 रुपया दिए किसी बिजनेस के लिए, उसके बाद कुछ दिनों के बाद, 2 दिन के बाद आपके पास 8000 हो गया, तो हम पूछेंगे कितना चेंज हुआ, तो कितना चेंज बताएंगे, 8000, नहीं, 5000 तो दिए ही थे, लास्ट में 8000 हुआ, तो चेंज कितना हुआ, 3000 का, 3000 कैसे आया, फाइनल वाला जो 8000 है उससे हम शुरुआत वाला 5000 घटाएंगे, यानी हमेशा जब भी चेंज निकालना रहे तो इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करेंगे, कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं जल्दी के चक्कर में, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल कभी नहीं, जब भी चेंज का बात हो, जब भी चेंज का बात हो, जब भी चेंज का बात हो तो इनिशियल माइनस फाइनल नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल, चाहे जिस भी चीज का चेंज हो। आगे हम लोग फिजिक्स में और भी चेंजेस पढ़ेंगे, जैसे चेंज इन मोमेंटम, तो कभी इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम नहीं, मोमेंटम भी पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में,
ये सब सब चेंज हम लोग देखेंगे। तो चेंज जब भी होता है कभी इनिशियल माइनस फाइनल नहीं, हमेशा याद रखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और बाई बाई क्या है टाइम टेकन, बटा में टाइम टेकन है तो टाइम टेकन लिख दिए। तो क्या हो गया एक्सेलरेशन, क्या हो गया एक्सेलरेशन, जो हो गया एक्सेलरेशन क्या है होगा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, देख रहे थे ना एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं क्या से, ए से, और ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर पहले फाइनल वेलोसिटी माइनस उसके बाद कौन सा वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू है, इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी भी, अब बाई टाइम टेकन उसमें समय कितना लगा, तो समय कितना लगा टी, फॉर्मूला हो गया क्या था एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। और याद रखेंगे चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और बाई टाइम टेकन। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होता है वी, इनिशियल वेलोसिटी यू, और बाई टाइम क्या है टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए वेक्टर बराबर वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर बाई टी। इक्वेशन वन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसी चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू सिर्फ देखना है तो हम क्या लिखेंगे, अब वैल्यू जब देखना रहता है सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना रहता है तो उस लेटर के ऊपर हम फिर एरो नहीं दिखाते, सीधे लिख देंगे ए बराबर, ए बराबर ये फाइनल वेलोसिटी, ये सीधे वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू बाई टी, तो इससे सिर्फ वैल्यू निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्लियर हो गया ए बराबर यू माइनस वी, नहीं नहीं ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, ये हो गया यूनिट। यूनिट देखते हैं इसका एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, इसका एसआई यूनिट देखेंगे तो एसआई यूनिट इसका कैसे निकलेगा, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन बराबर एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन बराबर, अब ये एक्सेलरेशन इस चीज के बराबर है तो इसका जो यूनिट आएगा वही यूनिट एक्सेलरेशन का होगा। तो इसका यूनिट कहने का मतलब एसआई यूनिट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो यूनिट तो वेलोसिटी का ही ना आएगा, नहीं देखिए तो फाइनल वेलोसिटी जैसे यहां पर कितना है 25 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो चेंज इन वेलोसिटी जब आया 25 माइनस 10 कितना आया 15, तो ये मीटर पर सेकंड ही ना आया, 25 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड तो क्या हो जाएगा 15 केजी होगा, 25 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड 15 केजी होगा, नहीं 25 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड बराबर 15 मीटर पर सेकंड, मतलब यूनिट जो होगा चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट किसके यूनिट के बराबर, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी ही में ना चेंज है तो वेलोसिटी में चेंज देखेंगे तो वेलोसिटी ही ना आएगा, तो इसलिए एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट जो है वो वेलोसिटी के यूनिट के बराबर ही होगा, तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी ऊपर हो गया, अब बाई एसआई यूनिट ऑफ टाइम नीचे टाइम, तो ऐसे में एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड बाई एसआई यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है सेकंड, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड, अब नीचे सेकंड का पावर 1 है ऊपर जाएगा तो सेकंड का पावर माइनस 1, जैसे यहां पर क्या हो जाएगा ये जो है मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड, अब नीचे सेकंड का पावर 1 ऊपर जाएगा तो सेकंड का पावर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा मीटर और सेकंड बेस सेम है, पावर ऐड होता है माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस 2, तो मीटर सेकंड का पावर माइनस 2, इसको हम क्या पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सेकंड का पावर माइनस 2 है, सेकंड का पावर यहां पे क्या हो गया माइनस वन माइनस 2, तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं मीटर, इसी चीज को हम लिख सकते हैं मीटर, और सेकंड का पावर माइनस 2 नीचे जाएगा तो सेकंड का पावर प्लस 2 है कि नहीं, तो इसको या तो ऐसे लिखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और माइनस 2 अगर नहीं लिखना है बटा अगर दिखाना है बटा के तौर पे लिखना है तो मीटर, अब बटा अगर ऐसे दिखा दिए तो फिर सेकंड का पावर क्या लिखाएगा प्लस 2, ठीक है। सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, सीजीएस यूनिट बार बार चर्चा हुआ है, सीजीएस का फुल फॉर्म ही क्या होता है, हर बार ये बात बताएं सीजीएस का मतलब, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड मतलब जो भी मीटर में है वो क्या में लिखा जाएगा सेंटीमीटर में, मीटर वाला क्या में लिखाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो जहां पे मीटर था वो हो जाएगा, जहां पे मीटर है वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड है तो सेकंड ही रह जाएगा,
क्योंकि सीजीएस में टाइम का सेकंड ही होता है, तो सेकंड वाला सेकंड ही रह जाएगा, सिर्फ मीटर वाला क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो सीजीएस यूनिट एक्सेशन का क्या हो गया, सीजीएस यूनिट एक्सेशन का क्या हो गया, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये यूनिट के बारे में चर्चा हो गया, इसको आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेंगे, जो भी कंटेंट है इस कंटेंट को नोट कर लेंगे, ताकि नोट्स बना हुआ रहना कॉपी पे बहुत जरूरी है, ताकि जब क्वेश्चंस कराएं और कहीं पर भी फंस रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुरंत नोट्स उलट करके चेक कर सकें। ठीक है, नोट कर लिए स्क्रीन पॉज करके। अगले लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, वीडियोस को देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी करें स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के बीच में, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि एक भी लेक्चर नहीं छूटेगा, तो एकदम परफेक्ट रूप से पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होगा, एक भी कंफ्यूजन नहीं, हमारे द्वारा एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जा रहा है, हर पॉइंट्स पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।